दोस्तों किशोर जी की पहली फिल्म आई थी साल 1946 में शिकारी, और भाई साहब इनकी पहली फिल्म ही हिट रही, मतलब गजब। इसके बाद साल 1947 में इनकी दूसरी फिल्म आई सहनाई, और भाई साहब यह तो सुपर हिट रही। इसके बाद 1948 में आई थी सती विजय, और दोस्तों यह हिट रही। इसके बाद साल 1950 में इनकी फिल्म आई मुकद्दर, और यह एवरेज रही। इसके बाद 1951 में आई आंदोलन, और दोस्तों यह हिट रही। इसके बाद साल 1952 में किशोर जी की फिल्म आई छम छमा छम, और यह सेम हिट रही। इसके बाद आई थी तमाशा, और भाई साहब किशोर जी की यह फिल्म तो सुपर हिट रही। इसके बाद साल 1953 में किशोर जी की फिल्म आई फरेब, और भाई साहब किशोर जी की यह फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। इसके बाद आई लड़की, और यह हिट रही। इसके बाद आई लहरे, और भाई साहब यह सुपर हिट रही। साल 1954 में इनकी फिल्म आई अधिकार, और यह एवरेज रही। इसके बाद आई इनकी फिल्म धोबी डॉक्टर, और किशोर जी की यह फिल्म सुपर हिट रही। इसके बाद आई थी इल्जाम, और यह सेम हिट रही। इसके बाद आई मिस माला, और यह भी सेम हिट रही। इसके बाद आई नौकरी, और दोस्तों यह हिट रही। इसके बाद आई इनकी फिल्म पहली झलक, और यह सुपर हिट रही। साल 1955 में इनकी फिल्म आई बाप रे बाप, और दोस्तों यह सेम हिट रही। इसके बाद आई चार पैसे, और यह एवरेज रही। इसके बाद आई थी मद भरे नैन, और यह भी एवरेज हुई थी। इसके बाद आई थी रुखसाना, और यह फ्लॉप रही। अगली फिल्म आई इनकी साल 1956 में आबरू, और दोस्तों यह हिट रही। इसके बाद आई भागम भाग, और यह सेम हिट रही। इसके बाद आई भाई भाई, और यह भी सेम हिट रही। साल 1956 में इनकी फिल्म आई ढाके की मलमल, और दोस्तों यह सेम हिट हुई थी। इसके बाद किशोर जी की फिल्म आई मेम साहब, और भाई साहब किशोर जी की यह फिल्म तो सुपर हिट रही। इसके बाद आई नया अंदाज, और दोस्तों यह हिट हुई थी। इसके बाद आई न्यू दिल्ली, और यह भी हिट हुई थी। इसके बाद आई थी पैसा ही पैसा, और दोस्तों यह तो सेम हिट हुई थी। इसके बाद आई थी परिवार, और भाई साहब किशोर जी की यह फिल्म तो सुपर हिट रही। साल 1957 में किशोर जी की फिल्म आई आशा, और दोस्तों यह हिट रही। इसके बाद आती है बंदी, और यह सेम हिट रही। इसके बाद आई थी बेगुनाह, और यह फ्लॉप हुई थी। इसके बाद आई मिस मैरी, और दोस्तों यह हिट रही। इसके बाद आई मुसाफिर, और यह अबोव एवरेज रही। इसी साल ही आई आदमी, और दोस्तों यह एवरेज रही। साल 1958 में किशोर जी की फिल्म आई चंदन, और यह एवरेज रही। इसके बाद किशोर जी की फिल्म आई चलती का नाम गाड़ी, और भाई साहब यह सुपर हिट रही। इसके बाद आई दिल्ली का ठग, और यह अबोव एवरेज रही। इसके बाद आई कभी अंधेरा कभी उजाला, और यह एवरेज रही। इसी साल ही आई रागनी, और यह सेम हिट रही। साल 1960 में किशोर जी की फिल्म आई चाचा जिंदाबाद, और दोस्तों यह हिट रही। इसके बाद आई जालसाज, और यह सेम हिट रही। इसके बाद आई थी शरारत, और दोस्तों यह हिट हुई थी। साल 1960 में किशोर जी की फिल्म आई अपना हाथ जगन्नाथ, और भाई साहब किशोर जी की यह फिल्म सुपर हिट रही। इसके बाद आई बेवकूफ, और यह अबोव एवरेज रही। इसके बाद आई गर्लफ्रेंड, और यह सेम हिट हुई थी। इसके बाद आई थी महलों के ख्वाब, और भाई साहब यह तो सुपर हिट हुई थी। अगली फिल्म आई इनकी साल 1961 में झुमरू, और यह सेम हिट रही। इसके बाद आई करोड़पति, और यह फ्लॉप रही। साल 1962 में इनकी फिल्म आई बॉम्बे का चोर, और दोस्तों यह हिट रही। इसके बाद आई हाफ टिकट, और यह अबोव एवरेज हुई थी। इसी साल ही किशोर जी की फिल्म आई थी मनमौजी, और भाई साहब किशोर जी की यह फिल्म सुपर हिट रही। इसके बाद आई थी नॉटी बॉय, और यह फ्लॉप हुई थी। इसके बाद आई रंगोली, और यह भी फ्लॉप हुई थी। साल 1963 में इनकी फिल्म आई एक राज, और यह हिट रही। इसके बाद 1964
में आई थी बागी शहजादा और दोस्तों यह हिट रही। इसके बाद आई दाल में काला और दोस्तों यह सेम हिट रही। इसी साल ही किशोर जी की फिल्म आई थी दूर गगन की छाओ में और भाई साहब किशोर जी की यह फिल्म तो ब्लॉकबस्टर रही। इसके बाद आई गंगा की लहरें और यह डिजास्टर रही। इसके बाद आई मिस्टर एक्स इन बॉम्बे और यह एवरेज रही। साल 1965 में किशोर जी की फिल्म आई थी हम सब उस्ताद हैं और भाई साहब यह सुपरहिट रही। इसके बाद आई श्रीमान फंटू और यह सेम हिट रही। साल 1966 में आई थी अकलमंद और भाई साहब किशोर जी की यह फिल्म सुपरहिट हुई थी। इसके बाद आई लड़का लड़की और यह एवरेज रही। इसी साल ही आई प्यार किए जा और यह सेम हिट हुई थी। साल 1967 में किशोर जी की फिल्म आई अलबेला मस्ताना और यह एवरेज रही। इसके बाद आई दुनिया नाचेगी और दोस्तों यह अबोव एवरेज हुई थी। इसके बाद आई हम दो डाकू और यह सेम हिट रही। साल 1968 में इनकी फिल्म आई दो दुनी चार और यह एवरेज रही। इसके बाद किशोर जी की फिल्म आई थी हाय मेरा दिल और भाई साहब इनकी यह फिल्म तो सुपरहिट हुई थी। इसके बाद आई थी पड़ोसन और दोस्तों यह हिट रही। इसके बाद आई पायल की झनकार और यह फ्लॉप रही। इसके बाद आई थी साधु और शैतान और दोस्तों यह सेम हिट हुई थी। इसके बाद आई श्रीमान जी और दोस्तों यह हिट रही। साल 1970 में इनकी फिल्म आती है आंसू और मुस्कान और यह एवरेज हुई थी। इसके बाद 1971 में किशोर जी की फिल्म आई दूर का राही और भाई साहब यह सुपरहिट रही। इसके बाद आई हंगामा और यह डिजास्टर रही। साल 1972 में आई थी बॉम्बे टू गोवा और यह सेमी हिट हुई थी। इसके बाद आई थी प्यार दीवाना और दोस्तों यह हिट हुई थी। साल 1974 में इनकी फिल्म आई थी बढ़ती का नाम दाढ़ी और दोस्तों यह हिट रही। 1978 में आई थी एक बाप छह बेटे और यह एवरेज रही। इसके बाद 1979 में आई थी शाबाश डैडी और यह फ्लॉप हुई थी। इसके बाद 1980 में आई प्यार अजनबी है और यह एवरेज हुई थी। इसके बाद इनकी फिल्म आई थी दूर वादियों में कहीं और दोस्तों यह हिट हुई थी। इसके बाद 1981 में आई थी चलती का नाम जिंदगी और दोस्तों यह हिट हुई थी। इसके बाद 1987 में आई कौन जीता कौन हारा और यह सेम हिट रही। इसके बाद 1989 में आई थी ममता की छाओ में और यह हिट रही। दोस्तों इसके बाद साल 2013 में किशोर जी की फिल्म आई थी लव इन बॉम्बे। दोस्तों आप सभी को बता दें कि इस फिल्म को तो साल 1971 में ही बनाई गई थी लेकिन किसी कारणवश इसे रिलीज नहीं की गई थी और दोस्तों यह बॉक्स ऑफिस पर एवरेज हुई थी। तो दोस्तों यह था किशोर कुमार जी का फिल्मी सफर। दोस्तों आपने किशोर जी की कौन सी फिल्में देखी है हमें नीचे कॉमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दें ताकि दोस्तों आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे ऐसी ही किसी मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम।